नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैं नहाया धोया तैयार हाजिर हूँ आपकी सेवा में। उम्मीद करता हूँ कि आप भी नहाए धोए छिले हुए अंडे की तरह तैयार बैठे होंगे। कुछ लोग हो सकता है रजाई से भी निकले भी ना हो, कोई बात नहीं। और हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में आज पार्ट 5 पढ़ेंगे। आप हेडिंग लगा लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 चल रही है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के सवाल हैं। किस आइडेंटिटी को हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। इन क्वेश्चंस का नाम मतलब कंपैरिजन क्वेश्चंस है, कंपैरिजन कह सकते हैं आप, ठीक है। क्या है कंपैरिजन क्वेश्चन, इस बात को क्वेश्चन से ही समझेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, इफ 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर 6। यदि 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर 6, फाइंड 27 कोसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा क्या होगा, ठीक है। तो अब एक सवाल को तो मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद आप देखते ही वैल्यू निकालेंगे कि भाई क्या वैल्यू होगी क्या नहीं, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिटी बनानी है। हम जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। अब ये कैसे बनानी है? अब इधर तो 6 है, तो पहले 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से भाग करना पड़ेगा। 6 से भाग कर देते हैं इसको, बटे 6 बटे 6 बटे 6 ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/3। आपको मालूम है कि मुझे साइन स्क्वायर अल्फा बनाना है, साइन स्क्वायर अल्फा बनाना है, तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा रह जाएगा एक प्लस 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर। अब आप अगर ये चाहते हैं कि ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 की तरह दिखे, इसके लिए जरूरी है कि इस चीज को 1 होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है भाई। हमें ये आइडेंटिटी बनानी है, इससे कंपैरिजन करना है, आ रहा है ना प्रॉपर, ठीक है। अब ये 1 कब होगा आप मुझे बताओ? ये 1 होगा जब साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 3/5 आ जाए। ये 1 कब होगा? जब कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 2/5 आ जाए। कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके को हर क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, आप अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या जो मैंने मान निकाले हैं वो सही है या नहीं। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को जोड़ के देखिए क्या आ रहा है, 3/5 2/5 को जोड़ेंगे, एक आ रहा है नहीं आ रहा। इसका मतलब कि ये जो मान आया है ये इस आइडेंटिटी को भी फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये मान सही है। अगर साइन स्क्वायर अल्फा 3/5 है तो कोसेक स्क्वायर अल्फा क्या होगा? 5/3। सेक स्क्वायर अल्फा क्या होगा? 5/2। ये सवाल अभी तक नहीं आया लेकिन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगर हम ये मान निकालना चाहें तो क्या होगा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 27 इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा बना लेते हैं इसको की पावर 3 प्लस 8 सेक स्क्वायर अल्फा की पावर 3 बराबर। ये जो बेल बजती है इसका मतलब है कि जो बेल आइकॉन है ना वो आपको बताना है, दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मैं कब लाइव आ रहा हूं कब नहीं आ रहा हूं, ठीक है। 27 कोसेक स्क्वायर अल्फा का मान कितना था? 5/3 की पावर 3 प्लस 8 5/2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 27 गुणा 125/27 प्लस 8 गुणा 125/8। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये क्या आंसर आ जाएगा? 250 आंसर। ये सवाल अभी तक नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो हम कोई भी ऐसा नहीं करेंगे। इसके प्रॉपर तरीके भी हैं कि आपने कॉस की पावर 4 अल्फा से भाग कर दिया 10 स्क्वायर अल्फा की इक्वेशन बन गई, नहीं करना। आपको क्या करना है, ये बनाना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 बनाना है आपको, ठीक है। समझ आ रही है बात? आप देखेंगे कि ये सवाल मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ और इसी कॉन्सेप्ट पे 2016 सीपीयू में ऑनलाइन एग्जाम में एक सवाल आया बहुत खूबसूरत, वो मैं सवाल लिख रहा हूँ। एक चीज अब आपको यहाँ से सीखनी है कि जब भी अगर साइन की पावर 4 अल्फा और कोसेक की पावर 6 अल्फा पे सवाल आ रहा है तो फिर इतना करने की भी जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं? हम क्या करेंगे भाई, इसको मैंने काट दिया 5 और 3, इसको मैंने काट दिया 5 और 2,
तो ये जो कॉफिशेंट है ना, ये कॉफिशेंट इसका कितना है 5/3, इसका कॉफिशेंट कितना है 5/2। यही डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन एक और सवाल ऐसा सीपीओ 2016 में आया कि इफ 6 sin की पावर 4 थीटा + 3 cos की पावर 4 थीटा = 2 फाइंड 8 cosec की पावर 6 थीटा + 7 sec की पावर 7 cosec की पावर 6 थीटा और 8 sec की पावर 6 थीटा की पावर 1/3 क्या हो। ये सवाल पेपर में, बहुत अच्छा सवाल है। अभी मैंने आपको बताया कि अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे क्या करना, आपने इसका कॉफिशियंट निकाला भी कितना आ रहा है 3, आपने इसका कॉफिशियंट निकाला कितना आ रहा है 3/2, डायरेक्ट रख देते हैं 7 × 3 की घात 3 हो जाएगा +8 × 3/2 की पावर 3 हो जाएगा 1/3। अंदर आप इसे सॉल्व करेंगे 216 आ जाएगा, 216 की पावर 1/3 यानी कि 6 सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो इतने बड़े बड़े सवाल हम सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं, मजा आएगा आपको करके, ठीक है। चलिए मैं और सवाल लिख रहा हूँ, ऐसे पेपर में आए हुए। ये सवाल भी पेपर में 3-4 बार आया है, 2016 मेंस में भी आया है, ये 2016 मेंस। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a² - b² sin θ + 2ab cos θ = a² + b² फाइन 10θ, 10θ क्या होगा। और भी सवाल करेंगे। अब मैंने भी आपको बताया कि करना क्या, बस कुछ नहीं करना, 1 बनाना है भाई। तो 1 बनाने के लिए क्या करें, इसको a² + b² से भाग कर दें, a² + b² ठीक है, कर सकते हैं भाग। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a² - b² / a² + b² आप बताओ, अगर हम इसे इस आइडेंटिटी से कंपैरिजन करें तो आपको मालूम है कि ये आइडेंटिटी है क्या। ये आइडेंटिटी है भाई sin θ × sin θ + cos θ × cos θ = 1, यही तो ये आइडेंटिटी। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप देख के बता सकते हैं कि sin θ की जगह क्या लिखा हुआ है, a² - b² / a² + b² लिखा हुआ है। अगर मैं यहां से कंपैरिजन करने को कहूं तो आप क्या बोलेंगे, cos θ की जगह ये तो 1 आ गया बराबर, कि cos θ की जगह क्या लिखा हुआ है 2ab / a² + b² ये लिखा हुआ है। अगर हम भाग कर दें दोनों का, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा मालूम है, 10θ = a² - b² / 2ab, उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है। चलिए और सवाल करते हैं, कुछ जो पेपर में नहीं आए हैं मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 15 sin³α + 20 cos³α = 12, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 15 sin³α + 20 cos³α = 12 फाइंड 10 sin α + 15 cos α क्या होगा। इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अभी मैंने बात की कि भाई हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं खाली 2 को इधर ले जाऊंगा तो 1 बच जाएगा, ऐसा नहीं है, 12 से भाग करना पड़ेगा, 12/12/12 क्या आ जाएगा, ये 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 12, 5/4 sin α × sin²α। अब देखिए मेरे को क्या करना पड़ा, भाई साइन स्क्वायर अल्फा बनाना पड़ेगा प्लस 5/3 cos α cos²α = 1। अब अगर हम ये देखें इस आइडेंटिटी से इसको कंपेयर करें तो ये आइडेंटिटी ये होनी चाहिए, इसका मतलब है कि ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। अब ये 1 कब होगा, जब साइन अल्फा 4/5 होगा, ये 1 कब होगा, जब cos α 3/5 होगा,
बात की गहराई को समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर मैं साइन अल्फा की जगह ये रख दूं 10 × 4/5 प्लस 15 × 3/5 तो मुझे आंसर मिलेगा 70। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि कैसे हमें कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद ये चेक भी करना है कि जो आंसर मैंने निकाला है वो सही है कि नहीं। जैसे आप देखो ये निकाला है मैंने, अब आप मुझे बताओ इन दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ूं तो 16/25 प्लस 9/25 वन आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल लेते हैं, मिटा दें इसको। बहुत खूबसूरत सा एक सवाल लेते हैं, दो सवाल अभी इस पे बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ साइन की पावर 4a/a प्लस कॉस की पावर 4a/b बराबर 1/a+b, ये दिया हुआ है कंडीशन, आपसे पूछ रहा है फाइन साइन की पावर 8a/a³ प्लस कॉस की पावर 8a/b³ बराबर क्या होगा? ऑप्शन है इस सवाल के 1/a+b² 1/a+b³। आपका उत्तर आएगा 2/a+b³। कई बच्चों का आएगा, जबकि ये गलत उत्तर है, इसका सही उत्तर ये है 1/a+b⁴। देख लो भाई, ये ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन देख लिया आपने। अब कैसे करेंगे? यही सब तरीका है भाई कंपेयर करना है इससे। तो कंपेयर करने के लिए पहले तो यहां वन होना चाहिए, तो ए प्लस बी इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई a+b/a। क्या अंदर लेके जाना पड़ेगा ताकि स्क्वायर बचे? साइन स्क्वायर है। कल से इतनी लगातार वीडियो हो गई है बैक टू बैक कि गले ने अब साथ छोड़ दिया है, क्योंकि हम एक तो है नहीं, बहुत तेज बोलना पड़ता है। प्लस a+b/b कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है बराबर। तो एक चीज आप देखेंगे कि अगर मैं चाहता हूं कि आइडेंटिटी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है की तरह देखिए, तो इसको क्या होना चाहिए? 1। इसको क्या होना चाहिए? 1। ये 1 कब होगा? जब साइन स्क्वायर है बराबर a/a+b, जब कॉस स्क्वायर है b/a+b। अब आप एक हल्की सी नजर दौड़ाएंगे कि क्या साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ो a+b एलसीएम, ऊपर भी a+b, क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब कि ये बात सही है जो हमने पढ़ी है, सही है कि नहीं? तो अब रख देते हैं इसमें भाई, बहुत आसान है रखना, पुट कर देते हैं बराबर। कुछ बच्चे ये गलती इसमें जरूर करते हैं कि साइन की पावर 8 जो है उसको साइन स्क्वायर ए की पावर वो 4 है, वो उसे 3 कर देते हैं, उनको लगता है 8 × 3 के बराबर होता है। मैंने मान लिया कि भाई 8 × 3 के बराबर है, लेकिन x^8 x² / 4 के बराबर होता है, समझ गए बात को? तो अब मुझे ये निकालना है भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको यहीं पर लिख देता साइन स्क्वायर ए की घात 4/a³ प्लस कॉस स्क्वायर ए की घात 4/b³, ये लिख सकता। अब साइन स्क्वायर ए की पावर 4 करेंगे क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा a^4/a+b⁴ × a³ प्लस b^4/a+b⁴ × b³, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, एलसीएम आ जाएगा a+b⁴, ऊपर बचेगा सिर्फ a+b, तो 1/a+b³ इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, ठीक है, थोड़ा सा रहम हम पे भी खाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ आ गई बात, मिटा दें इसको, एक और सवाल करते हैं, वो भी सवाल 4-5 बार आया है। मिट जाएंगी हसरतें सारी तुम्हारी, ऐसा तेरे दिल में घर बना देंगे,
काश कर पाए हम किताब की तरह जिंदगी को ट्रीट, तो उसको भी फिर से दोहरा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ऐसे ही बोलते बोलते बन गई दो तीन लाइनें। क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि इफ, बहुत अच्छा सवाल है, पहले भी कई बार आया, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक और इक्वेशन है एन, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर जीरो फाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, दो तरीके, या तो आप इस इक्वेशन का इससे कंपैरिजन कर दो, या आप इस इक्वेशन से कंपैरिजन कर दो। बात एक ही है, जैसे मैं तो अभी ये पढ़ा रहा हूं तो मैं इससे कंपैरिजन करूंगा, मैंने इसको इससे भाग लगा दिया, मैंने भाग लगा दिया किससे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, मैंने इसको भाग लगा दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, ये भी भाग लगा दिया, तो बताइए कितना बचेगा भाई, ये इससे एक बार कट जाएगा दो बार, ये इससे दो बार कट जाएगा, इसका मतलब कि ये बचेगा एक्स बटे कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई बटे साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। अगर हम इससे इसका कंपैरिजन करें तो ये चीज वन होनी चाहिए भाई, ये चीज वन होनी चाहिए, ये वन कब होगी, जब एक्स बराबर कॉस थीटा होगा, वाई बराबर साइन थीटा होगा, लेकिन ये नहीं है कि अब हमारे पास मान आ गया, अब हमें इसको इसमें वेरीफाई भी कराना पड़ेगा। अब अगर मैं यहां पे रखता हूं एक्स की जगह कॉस थीटा और वाई की जगह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप देखेंगे जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि जो मैंने वैल्यू निकाली है वो सही है। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन। ठीक है, तो कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे, बस खत्म कर रहे हैं इस वीडियो को, कि मैं इससे भी तो इस चीज को निकाल सकता था, तो मैं बिल्कुल निकाल सकता था, मैं दूसरे मेथड से आपको बता देता हूं, लेकिन फिर आपको वही वेरीफाई करना पड़ता, बस हम इससे भी ये चीज निकाल सकते थे, हम कह सकते थे कि भाई एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा है, तो एक्स बटे वाई क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मान आ गए कॉस थीटा साइन थीटा के, ये आपको इसमें रख के चेक भी करना पड़ेगा, कैसे भाई, अगर आप यहां रखोगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस वाई आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, जब कॉमन लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वन हो जाएगा। तो आपने देखा ये जो मान आए इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसे भी इस मान उस सवाल को निकाल सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं जिनमें सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, इस आइडेंटिटी से कंपेयर करना है। अभी आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई, मैंने आपको बताया था कि इसमें कम से कम 8 या 10 तरीके के सवाल हैं, तो कल हमने एक तरीके के सवाल पढ़े थे, आज हमने दूसरे तरीके के सवाल पढ़े हैं, और ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। आप इंजॉय करिए इस चीज को, खुश रहिए, बिंदास रहिए, मजे करिए। ठीक है, चलिए मैं रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।